स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पर हम क्लासेस चला रहे हैं आपके आने वाले टेक्निकल एग्ज़ाम, जैसे आपका HWB, NPCIL, NFC का एग्ज़ाम आने वाला है। इसलिए हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस रोज़ चल रही हैं, एक के बाद एक बैक टू बैक क्लासेस आ रही हैं। जो आज हमारी क्लासेस होने वाली है वो है 12वीं क्लास, मतलब 11 क्लास पहले ही हो चुकी है। अगर आपने उन 11 क्लासों को नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक दे दिया है, आप जाकर उन्हें देख भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम वीडियो को हमारी स्टार्ट कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने 240 तक क्वेश्चन करवाया था, अब 241 से क्वेश्चन हम लेंगे। सभी क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। फ्रेंड्स, जो 241वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखें हर क्वेश्चन को, वो ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पे अब क्लियर हो गया, फोकस भी हो गया है। चलिए पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। धातु की शीटों एवं तारों की मोटाई किस गेज द्वारा मापते हैं? तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपको सेलेक्टिव मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ऑर्डनेस फैक्ट्री इटारसी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत से हमारे जो कैंडिडेट हैं उन लोगों को पता है, बहुत से बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें पता है क्वेश्चन का आंसर। यहाँ जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है वायर गेज से हम शीट व तारों की मोटाई को चेक करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर वैसे भी मैं हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही लाता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर आप रोज़ क्लासेस लाइए तो हमारी डेली एक क्लास निश्चित रूप से ही आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो आपको चैनल में बने रहना है, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करा करें वीडियो, ताकि मुझे बनाने में वीडियो मज़ा आए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, आप लोग जुड़े रहें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपकी केवल सहायता करना चाहता हूँ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाना चाहता हूँ आपकी थ्योरी से, ताकि आपका एग्जाम जल्द से जल्द क्रैक हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि होगा 242वां, ये रहा आपके सामने। सुराग की जांच करने हेतु कौन सा गेज प्रयोग होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा गेज प्रयोग करते हैं हम सुराखों की जाँच के लिए? तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी प्लग गेज का प्रयोग करते हैं हम सुराखों की जांच करने हेतु। जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हैं, DRDO की परीक्षा में पूछा गया था मोटर मैकेनिक की। तो फ्रेंड्स, यहां जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया, नीचे आप देख भी सकते हैं कि ये लिखा है यहां पर इस बॉक्स में, जो कि मैं यहां पर इस बॉक्स को पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखें फ्रेंड्स हर क्वेश्चन को। प्लग गेज, इस गेज का प्रयोग प्लेन स्मूथ होल के साइज को चेक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इस PDF में जो है एक्सप्लेन किया गया। अगर आपको इस PDF को बाय करना है तो अगेन मैंने इसकी लिंक को आई बटन में दे दिया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप इसे देख सकते हैं किस प्रकार से आपको खरीदना है और कितनी प्राइस है, आप वहां से देख लीजिए। चलिए अब ज़्यादा हम समय को नहीं गंवाते हैं, अगला क्वेश्चन जो आने वाला है, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। आपको रोज़ एक वीडियो जरूर मिलेगी, क्लासेस चल ही रही हैं हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखें। किस गेज द्वारा कार्यखंड के बाहरी एवं आंतरिक त्रिज्या मापते हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो सकता है? ध्यान से देखें हर क्वेश्चन को, ऑप्शन के अनुसार आंसर दीजिए। यहाँ जो राइट आंसर है त्रिज्या मापने के लिए वो है ऑप्शन ए, रेडियस गेज से। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक्सप्लेन करके बताया, किसी जॉब के अंदरूनी या बाहरी रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस या फ्लैट गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि होगा 244वां, ये रहा आपके सामने। स्क्रू थ्रेड का पिच किस गेज द्वारा मापते हैं? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्क्रू पिच गेज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि होगा 245वां, एक ड्रिल का कोण किस गेज द्वारा मापा जाता है? तो फ्रेंड्स, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बताइए आप कोण को किस गेज से मापेंगे, वो भी ड्रिल में। तो यहाँ जो राइट आंसर है एंगल गेज, जो कि नाम से ही स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो क्वेश्चन है वो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिले, फिटर ट्रेनर मशीनिस्ट तीनों के लिए मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगती है मेरी। ठीक है फ्रेंड्स, और आप पूरा जरूर देखा करें वीडियो को, ताकि आपकी जो है वो प्रिपरेशन थोड़ी और बेटर हो। मैं यही चाहता हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेटर से बेटर ऐसा हम लेवल मेंटेन कर लें कि हमारी इतनी तैयारी हो जाए कि हम पहला एग्ज़ाम
अगर बैठे हैं हम एग्जाम हॉल में तो वही एग्जाम हमको क्लियर करना है, यही आपका जो है मोटिव होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए इसीलिए ये सब कर रहा हूं ताकि आपका जल्द से जल्द एग्जाम क्रैक हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि होगा 246वां, वो ये रहा, एक कारखंड के बाहरी माप या स्लॉट को मापने के लिए गेज का नाम बताइए, किस गेज के द्वारा आप इस कार्य को करेंगे। यहाँ जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त ए एवं बी दोनों, मतलब लिमिट गेज के द्वारा भी और वर्नियर कैलिपर के द्वारा भी। नीचे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया, अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा जो कि 247वां, ये रहा आपके सामने, स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या है बताना है आपको। बताइए फ्रेंड्स स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या है, बहुत से जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्हें पता होगा। यहाँ जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, जॉनसन ब्लॉक गेज भी कहते हैं स्लिप गेज का दूसरा नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि होगा 248वां, ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखें हर क्वेश्चन को, प्लग गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, सुराखों के अंदरूनी व्यास मापने के लिए हम प्लग गेज का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जो कि होगा 249वां, ध्यान से देखें, वायर गेज किस काम में प्रयोग होता है। ऊपर भी ये कई बार रिपीट हो गया फ्रेंड्स, रिपीट क्यों होते हैं क्वेश्चन पहले तो ये समझिए, रिपीट इसलिए क्वेश्चन होते हैं क्योंकि ये होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए मुझे। यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तार और सीट की मोटाई मापने के लिए हम वायर गेज का प्रयोग करते हैं। अब ये मेरे हिसाब से अब अगर रिपीट होगा आगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा, देख लेना आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि होगा 250वां, ये रहा आपका 250वां क्वेश्चन है, टेलीस्कोप गेज किस काम में आते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स टेलीस्कोप गेज का यूज क्या है। यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बड़े सुराखों का आंतरिक व्यास मापने के लिए। फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है वो प्राप्त हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा 251, ये रहा आपके सामने, बाह्य माप देखने के लिए लिमिट गेज निम्नलिखित से कौन सा है, माने एक्सटर्नल के लिए कौन सा गेज है लिमिट गेज में। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, मतलब प्लेन रिंग गेज के द्वारा भी आप एक्सटर्नल कर सकते हैं, टेपर रिंग गेज के द्वारा और स्क्रू थ्रेड रिंग गेज, तीनों के द्वारा हम जो है वो बाहरी माप को माप सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जो क्वेश्चन आने वाला है जो कि होगा आपका 252वां, फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं कितने अच्छे से यहां पर एक्सप्लेन हर क्वेश्चन को किया गया है। तो अगर आपको खरीदना है तो लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में दी गई है, बहुत ही कम प्राइस है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि होगा हमारा 252वां, किसके मापन के लिए प्लग गेज का उपयोग होता है। तो बताइए फ्रेंड्स किसके मापन के लिए, यहाँ जो राइट आंसर है प्लग गेज के लिए वो है ऑप्शन सी, बेलनाकार छेदों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, ये है कि डिस्क्रिप्शन में टेक्निकल एमसीक्यू फैमिली ग्रुप भी बना हुआ है व्हाट्सएप पे, अगर आप उसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप का मुझे लग रहा है जो कि नहीं है। 60 डिग्री के कोण पर शुद्धता के लिए लेथ के थ्रेडिंग टूल की जांच करने के लिए निम्नलिखित गेजों में से किस गेजों का प्रयोग किया जाता है, बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सिकंदराबाद आरआरबी में पूछा गया था एलपी के एग्जाम में। यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेंटर गेज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि होगा ये इस प्रकार का, कुछ सेंटर गेज दिखाई देता है, ध्यान से देख लें फ्रेंड्स, इस प्रकार का हमारा होता है सेंटर गेज, ये हमारा सेंटर गेज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 254वां, ये रहा, प्रयोगशाला एवं मानक के उद्देश्य से स्लिप गेज के निम्नलिखित ग्रेड में कौन सा ग्रेड होता है, मानक रेफरेंस के लिए बताइए कौन सा। यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंस्पेक्शन ग्रेड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पर ग्रेड बताए गए हैं, जैसा कि आप ध्यान से देख लें, अगर मैं इसे बताऊंगा हमारी वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुक रहा हूँ, आप पोज करके इसे पढ़ लें, बड़े ही अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि होगा 255वां, क्योंकि फ्रेंड्स मैं वीडियो को इसलिए जल्दी से जल्दी बनाने की सोचता हूं आपके लिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए लाता हूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं पीडीएफ को, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें क्वेश्चन अटेंड करने को मिले। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 255वां, ये रहा आपके सामने, रेलवे पटरियों के मामले में गेज खालिस्तान का अर्थ क्या है, मतलब रेलवे में जो गेज होता है उसका अर्थ क्या है ये बताना है आपको।
तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दो पटरियों के भीतरी फलकों के बीच की दूरी गेज कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, रेलवे में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 256वां, ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखें हर क्वेश्चन को, ये रहा आपके सामने 256वां क्वेश्चन। कौन सा गेज आंतरिक चूड़ियां चेक करने में प्रयोग किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा गेज होता है जो इंटरनल चूड़ियों को चेक करता है, थ्रेडों को चेक करता है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, राइट आंसर सभी को पता होगा, स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नए इस प्रकार का स्क्रू पिच गेज देखने को आपको मिल रहा है, ध्यान से देख लें, इस प्रकार का होता है स्क्रू पिच गेज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 257वां, गेज है किस प्रकार का टूल है गेज, ये बताना है आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से मापने वाला यंत्र है, डायरेक्ट रीडिंग नहीं देता है, इसलिए ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 258वां, गियर के दांतों के प्रोफाइल की जांच की जाती है, बताइए किसके द्वारा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रोजेक्टर से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 259वां, छोटी सी गैप को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है, यहाँ जो राइट आंसर है वो है फिलर गेज का। फ्रेंड्स हमारी वीडियो 10-11 मिनट की हो चुकी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा लास्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 260वां, किसके मापन के लिए डबल गेज का उपयोग किया जाता है? बताइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, यहाँ जो राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वो है ऑप्शन है बहुत कम दूरी का। यहाँ से जैसे कि मैं एक्सप्लेन करके ही बता देता हूँ, बहुत कम दूरी मापने के लिए हम डबल गेज का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें आप, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।